हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अपनी सर्विस हो चुकी है डन और बाइक हो गई है एकदम स्मूथ मक्खन की तरह, नई जैसी एकदम। स्पेशल थैंक्स टू सौरभ भाई, बहुत अच्छे से काम करते हैं भाई वो। उनको स्पेशली RR 310 के लिए रखा हुआ है एजेंसी में। और अब हम निकल रहे हैं सोलन से शिमला के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो, क्योंकि अब शिमला की वादियाँ घूमने वाले हैं। सोहित भाई हमारे साथ है अभी भी, हमारे रोड ट्रिप पार्टनर। सर्विस के टाइम पर पता चला कि टायर में कम से कम 2 या 3 जगह पर कील घुसी हुई थी, कील कई जगह पिन थी छोटी छोटी, तो वो निकाली तो फिर 2 जगह से तो हवा लीक हुई नहीं, 1 जगह से बहुत माइनर सी हवा लीक हो रही थी। तो अभी तो प्रॉब्लम देगी नहीं, जब ज़्यादा देना स्टार्ट करेगी तो फिर उसमें पंचर लगवा लेंगे। टोटल कॉस्ट आई मेरी सर्विसिंग के अराउंड 3500। वैसे इतनी आनी नहीं थी, बट मेरे रियर ब्रेक के डिस्क पैड्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए थे, तो उन्होंने मेरे को बोला कि चेंज करवा लो फिर 400-500 किलोमीटर में, क्योंकि फिर से ज़रूरत पड़ने वाली है। तो फिर मैंने सोचा कि मंडी से स्पेशली डिस्क पैड चेंज करवाने कौन ही आएगा, तो फिर मैंने करवा लिया। वो डिस्क पैड अराउंड 1250 के थे, और जो कि अभी एक मंथ पहले तक ओनली 450 के मिल रहे थे, वो अब 1250 के कर दिए कंपनी ने। आई डोंट नो क्यों, बट अब कंपनी के हिसाब से वो ज़्यादा बेटर क्वालिटी के और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। तब चलो वो तो पता चल ही जाएगा, आई होप वैसा ही हो, क्योंकि 1250 ओनली फॉर डिस्क पैड क्वाइट एक्सपेंसिव आई गेस। सोलन से शिमला वैसे तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, थोड़ी देर में हम पहुँच जाएंगे। बाइक तो इस वक्त भाई साहब क्या चमक रही है, लग रहा है नई बाइक निकाली अभी शोरूम से, नज़र ना लग जाए इसको किसी की। क्लच काफ़ी ज़्यादा आगे प्लेस करा है इस बार, तो अभी थोड़ा आदत पड़ने में टाइम लग जाएगा, बट कोई सीन नहीं है, इसी राइड पे आदत भी पड़ जाएगी। एक तो मेरे हाथ थोड़े छोटे हैं तो फिर मुश्किल होता है, बट कोई ना, आदत पड़ जाएगी। बड़े बड़े पहाड़ स्टार्ट होते हुए अब फिर से, जो सर्विस वाला व्लॉग है वो मैं इस पूरी सीरीज़ के बाद ही डालूँगा। इस सीरीज़ को पूरा पहले फिनिश करेंगे फिर वो वाला व्लॉग डालूंगा। तो जिसको RR 310 की सर्विसिंग के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी है, डाउट है, तो वो अभी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि उसमें सब कुछ बताऊंगा मैं, क्या कितने का है रेट और क्या क्या चेंज हुआ सेकंड सर्विस में। ये सेकंड फ्री सर्विस थी, फ्री बस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें लेबर चार्ज नहीं लगता, बाकी हर चीज़ का अमाउंट उतना ही लगता है, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से कि फ्री है आपकी या फिर पेड है, चाहे कोई भी सर्विस हो। और अब पहाड़ी रोड स्टार्ट हो चुका है फिर से, थोड़ा स्लो ही चलेंगे यार, पर नहीं सोहित भैया तो नहीं मानेंगे, ये तो तेज ही चलेंगे। बहुत अच्छी जगह है ये तो, धूप भी है, बादल भी हैं, पर ट्रैफिक भी है।
आगे जाके पेट्रोल भी डलवाना पड़ेगा, काफ़ी कम हो गया अब तो। अब थोड़ी देर के बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होने वाली है, इसलिए टाइम से पहुँच जाएंगे तो बेस्ट है, अंधेरा होने से पहले पहुँच जाने चाहिए। शिमला हिल्स स्टार्ट हो चुकी हैं, हम मौसम से ही बता पा रहे हैं जैसा मौसम है, ठंडा ठंडा सा चिल्ड माहौल है एकदम। रुक जाओ सोहित भैया, मत जाओ अभी यार, पेट्रोल पंप तो है बट चलो अभी हमारे पास थोड़ा बहुत फ्यूल तो बचा है, आगे भरवाएंगे कहीं, क्योंकि ये बहुत कंजस्टेड सा लग रहा था। इसलिए मना कर रहा हूँ इसको, ऐसे मत ले भाई ओवरटेक मोड पे, स्पेशली ट्रैफिक ही ट्रैफिक, हर जगह ट्रैफिक। शिमला अब तो थोड़ा सा ही रह गया है, 10-12 किलोमीटर के अराउंड होगा, बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक है यार, और अब तो तेज़ चलाने का मन भी नहीं हो रहा है, तो इसलिए आराम से चलते हैं और आगे पेट्रोल डलवाते हैं कहीं पर। ये देख लो शिमला का व्यू, कैपिटल ऑफ हिमाचल। मस्त है वैसे तो देखने में, भाई शिमला तो पहुंच गए बट अब आराम से चलना पड़ेगा। रोड यहाँ पर गीला है और हमें पता नहीं कहाँ पर गीला है कहाँ पर ब्लैक आइस है, तो काफ़ी देख के चलना पड़ता है। भाई साहब बर्फीली हवाएं चल रही हैं यहाँ पर, तो हाथ सुनोगे। पेट्रोल डलवा लेते हैं पहले, तो भाई पेट्रोल डलवा चुके हैं हम। क्या हुआ जल्दी कर। शिमला तो पहुंच गए हैं भाई, पर ट्रैफिक, इस ट्रैफिक में तो आगे में नहीं निकल सकते अब। बहुत ज़्यादा ही ठंड है भाई, हाथ और पैर तो इस टाइम बिल्कुल सुन्न हो चुके हैं। टाइम अभी हो गया है 4:35,